दोस्तों, ये है गार्लिक और ये है गार्लिक की क्लॉज, जिसे बोलते हैं गार्लिक की कलियां। गार्लिक को हम लोग हिंदी में लहसुन भी बोलते हैं। मेरी मम्मी गार्लिक की चटनी बहुत अच्छी बनाती है। वाह! दोस्तों, मेरी मम्मी को गार्लिक छीलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मम्मी ये छील के ऐसे छीलती है, पर मम्मी को बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने मम्मी को 3 वेज बताए, जिससे बहुत बहुत मेरे बहुत मम्मी अच्छे से बनाने लग गई। ये दोस्तों, गार्लिक के लिए ना ये पीलर काम करता है ना ये पीलर काम करता है। दोस्तों, चलो मैं आपको नई टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। पहला तरीका, आप कोई भी कटोरी, चम्मच, चाकू यूज करके, फ्लैट चीजें यूज करके आप ये फर्स्ट तरीका अपना सकते हैं। पहले क्या करना है आपको, गार्लिक को ऐसे प्रेस करना है एकदम, फिर उसके बाद ये क्लोज निकलेंगे, फिर क्लोज को जो फ्लैट तरीके के जैसे चाकू या चम्मच है उससे प्रेस कर दें, तो ये बहुत आराम से निकलेंगे। दूसरा तरीका है कि आपको जो गार्लिक है उसे 10 मिनट तक गर्म पानी में डालना है, और फिर 10 मिनट बाद आप जब निकालोगे तो बहुत इजीली पील हो जाएंगे। अब मैजिकल तरीका दोस्तों, गार्लिक को 20 सेकेंड्स के लिए आपको ये माइक्रोवेव के अंदर रख देना है, और फिर 20 सेकेंड्स के बाद आप जब निकालोगे तब देख लेना। माइक्रोवेव से गार्लिक को निकालने के बाद थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे। ये एकदम मैजिकल तरीका है कि मैंने लहसुन को अभी जस्ट माइक्रोवेव से निकाला और कितनी जल्दी से छील रहा है। मम्मी हर टाइम ये यूज करती है, बहुत अच्छा है। और मम्मी ने अभी एक चटनी तैयार रख दी है गार्लिक की, और मेरे को बहुत ज्यादा यमी लग रहा है। मैंने टेस्ट भी कर ली है और मैं और खाऊंगा। वाह!